प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, पब्लिक एजुकेशन का अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो जो गरीब पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं, जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, उनको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाएगा जो उन्हें पब्लिक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेट स्कूल में कहाँ जा कौन सकता है? मजदूर के बच्चे नहीं जा सकते, किसान के बच्चे नहीं जा सकते। और उससे ज्यादा अब तो ये भी हो रहा है कि जौन से, जैसे अगर आप गाँव में जाएंगे तो जौन से सरकारी स्कूल है वो 500-500 तक की फीस लेने लगे। सारा का सारा खेल इस चीज में शिफ्ट हो जा रहा है कि आप पैसा दोगे तो पढ़ोगे। तो ये जो एजुकेशन है वो बहुत ही छोटी क्लास के लिए, मतलब वो रूलिंग क्लास के लिए है और सबके लिए नहीं है। वंचित हो रहे हैं शिक्षा से, शिक्षा है ही नहीं उनके लिए अब यहाँ पे। और जौन से ये शिक्षा दिला भी रहे हैं वो एक बहुत ही ब्राह्मणवादी शिक्षा है, एक कल्चर से ब्राह्मणवादी कल्चर, सांस्कृतिक कल्चर को आगे दिखाया जा रहा है, तो हम उसे नहीं मानते। हमारे लोगों को इससे क्या फायदा हो रहा है? ये हमें यहाँ पे जो मजदूरों के बच्चे हैं जो पढ़ेंगे उनको क्या आगे बढ़ावा मिलेगा? नहीं, वो मोदी जी ऐसा चाहते हैं पर हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते ना। मोदी जी अगर चाहते हैं सबसे चाय पकौड़ा भिजवाना, तो वो आम स्टूडेंट, आम लोग, आम जनता ये चीज़ तो नहीं चाहते। हम तो पढ़ाई चाहते हैं, हम तो परिवर्तन चाहते हैं समाज में, अपनी स्थितियों में, अपने देश में बेहतरी चाहते हैं। चाय पकौड़े बेच करके क्या करेंगे? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट हैं और अलग अलग जो है राज्यों से, अलग अलग जगह से चलकर आए हैं। और मांगे सिर्फ सिंपल है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको जो है बदलाव की जरूरत है, वो क्योंकि उसमें जिस तरीके के नियम कानून बनाए गए हैं और जिस तरीके से एजुकेशन के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इससे नाराजगी है। और सरकार को जो है चेतावनी देने के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं? हम लोग आए हैं कि NEP को रद्द किया जाए। जो NEP 2020 गवर्नमेंट ने आगे रखा है पॉलिसी, वो बहुत ब्राह्मणिकल पॉलिसी है। उसमें हम देख सकते हैं कि जो समस्या क्या है NEP में, NEP में ये समस्याएं हैं कि वो जो एजुकेशन हर पर्सन का राइट है वो उनसे अलग कर रहा है। जैसे अभी चिराग योजना को भी उन्होंने आगे बढ़वाया था, जिसकी वजह से जो सरकारी स्कूलें हैं वो बंद हो जा रहे हैं। और जो मजदूरों के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा लेना बहुत कठिन हो जा रहा है। तो अच्छी बात है सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट स्कूल में वो इंपीरियलिज्म को पैसे मिलेंगे ना, ये बाहरों ये बर्ड कौन कर सकता है? प्राइवेट स्कूल में कहाँ जा कौन सकता है? मजदूर के बच्चे नहीं जा सकते, किसान के बच्चे नहीं जा सकते। और उससे ज़्यादा अब तो ये भी हो रहा है कि जौन से, जैसे अगर आप गांव में जाएंगे तो जौन से सरकारी स्कूल है वो 500-500 तक की फीस लेने लगे। हरियाणा में काफ़ी गाँव में उन्हें मॉडर्न संस्कृति स्कूल बना के 500-500 रुपये की महीने की वो फीस लेने लग गए हैं। अब ये मजदूर के बच्चे, गरीब इंसान के बच्चे, लैंडलेस पेसेंट्री के बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो एजुकेशन है वो बहुत ही छोटी क्लास के लिए, मतलब वो रूलिंग क्लास के लिए है और सबके लिए नहीं है। और हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो सबके लिए हो, जौन से देश के मजदूर है, देश के किसान है, वो ये शिक्षा को मतलब अटेन कर सकते हैं। तो क्या इससे जो है एक तबका वंचित हो रहा है? जी, एक जो गरीब लोग हैं उनके लिए शिक्षा है ही नहीं। हाँ, वो वंचित हो रहे हैं शिक्षा से, शिक्षा है ही नहीं उनके लिए अब यहाँ पे। और जौन से ये शिक्षा दिला भी रहे हैं वो एक बहुत ही ब्राह्मणवादी शिक्षा है। अब आप देखेंगे कि NEP में ब्राह्मणवादी शिक्षा क्या होती है? ब्राह्मणवादी शिक्षा ये होती है जो ब्राह्मणिज्म है, हमारा रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी है, उसको जो उसका जो प्रचार करे। तो ये शिक्षा जौन सा हिंदुत्व का मतलब एक ब्राह्मणवादी सोच है, ये सोच है कि मतलब कास्ट बेस्ड सोच है जो एक कास्ट को और एक मतलब एक आइडिया ऑफ रिलीजन को सबसे ऊपर रखता है, वो मतलब समाज में प्रचार करा रहा है। तो इसमें हमने NCERT में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में काओ साइंस सेंटर्स खुल रहे हैं और विज्ञान की जौन सी वैज्ञानिक शिक्षा को पीछे किया जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है किताबों में। और यहाँ तक कि अगर आप देखें जौन से ट्राइबल क्षेत्र
जगह है एनईपी के अंदर ही, वहाँ पे आश्रम शाला खोलने का कहा गया है एनईपी में। अब उनका जो सा और ब्राह्मणवादी शिक्षा यहाँ पे गुरुकुल होगा, गुरुकुल में सबसे अच्छी शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाएगी अब यहाँ पे देखा जा रहा है, जौन से आदिवासियों के जौन से क्षेत्र है वहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ये लोग आके गुरुकुल खोलेंगे, आश्रम शाला खोलेंगे, तो वहाँ पे एक मतलब ब्राह्मणवाद और एक जौन सा उनका जो इतिहास है, उनका जो अपना कल्चर है उसको दूर किया जाएगा, उनकी जो अपनी भाषा है वो निजी जाएगी और एक सांस्कृतिक भाषा को इम्पोज किया जाएगा। ये देश भर में हो रहा है। एनईपी की अगर आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला देखें उसमें हिंदी को मेन नहीं कहा गया, लेकिन संस्कृत को एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। संस्कृत तो अपना कल्चर है, भारत का पुराना, संस्कृत तो एक पुराना साहित्य रहा है, तो क्या दिक्कत है संस्कृत? संस्कृत अकेले साहित्य है भारत का, पूरे भारत में सिर्फ संस्कृत का साहित्य है क्या, आप बताइए? नहीं, काफी का प्राचीन भाषा है वो संस्कृत। कोई प्राचीन भाषा नहीं है भारत का, ये जो प्राचीनता है वो रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी दिखाता है। भारत में अलग अलग कल्चर काफी सब कुछ है लेकिन संस्कृत को ऊपर दिखाया जा रहा है। अपने कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय कल्चर का कल्चर। इतने एंटी कास्ट मूवमेंट्स रहे हैं भारत में, केरला में देख लीजिएगा अयनकली का हो रहा है, नारायण गुरु रहे हैं, उनका कल्चर। अगर एक कल्चर से ब्राह्मणवादी कल्चर सांस्कृतिक कल्चर को आगे दिखाया जा रहा है तो हम उसे नहीं मानते। हम लोगों का कल्चर जौन से अलग अलग हमारे भारत में काफी स्टेट। तो अच्छी बात होगी ना अगर संस्कृत स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे, सब संस्कृत पढ़ेंगे, सब ब्राह्मण होंगे। सब ब्राह्मण नहीं बनेंगे संस्कृत पढ़ने में, ब्राह्मणवादी कल्चर में अलग अलग ग्रेडेशन होती है, कभी भी एक नहीं हो सकते। अगर आप जातिवाद खत्म हो जाएगा ऐसे? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रही थी? मैं ये बोल रही थी कि आप भारत को कैसे देख रहे हैं। भारत जो है ये भी जब कोलोनियलिज्म हुआ था, ये जब भारत में जब लोग आए थे, ब्रिटिशर्स जब आए थे, तो उन्होंने ये ऐसे बनाया था सिस्टम कि भारत ये पूरी जगह होगी, पर इसी भारत के अंदर बहुत सारे नेशंस हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं अलग अलग कल्चर्स के साथ। आदिवासी लोग हैं, उनके जो सारे उनका पूरा जो कल्चर है वो ब्राह्मणों ने अंदर ही अंदर कर लिया। जैसे ब्राह्मण बोलते हैं कि हम लोग शुद्ध वेज खाएंगे, वो जो जैन और बुद्ध रिलीजन है वो उनसे आता है। पहले के जमाने में अगर हम देखेंगे तो फिर ब्राह्मण जो थे वो जो न्यू शिक्षा पॉलिसी से क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी सवाल है ये। Hello? जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जब ये न्यू शिक्षा पॉलिसी मतलब ब्राह्मण वाला सिस्टम नहीं, न्यू शिक्षा पॉलिसी जो है वो ब्राह्मणिकल है, वो पर सबसे ज्यादा हमारे लोगों से ज्यादा बाहर की जो कंपनियां हैं उनके बढ़ावे के लिए बनी है। हमारे लोगों को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? ये हमें यहाँ पे जो मजदूरों के बच्चे हैं जो पढ़ेंगे उनको क्या आगे बढ़ावा मिलेगा? क्या वो ऐसा कुछ सीखेंगे कि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाए? ये बड़ा सवाल है कि जो ये नई शिक्षा नीति आई है उससे कितना फ़ायदा होगा, कौन पढ़ेगा? और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे नई शिक्षा पॉलिसी से समस्या क्या है? समस्या ही समस्या है। क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें एक्सक्लूजन पॉलिसी है ये एक तरह की, और ये वही पुरानी नीतियाँ जो पहले चल रही थी एंशियंट पीरियड से ही एक तरह का, वो फिर से इम्प्लीमेंट हो रही है। इस ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल जो हेजेमनी आ गई है आज के टाइम पे बीजेपी और आरएसएस बैक गवर्नमेंट में, और दूसरी चीज़ की कितना ये कॉरपोरेटाइज हो गया है। एक तो फाइनेंशियल लेवल पे एक्सक्लूजन है, दूसरा कास्ट और कम्युनिटी के लेवल पे एक्सक्लूजन है। ये कह रहे हैं जो समर्थक है, कहते हैं कि अच्छी बात है, इसमें जो है जब मर्जी चाहे चौथी पास आठवीं पास के बाद पढ़ना छोड़ दो, फोर्सफुली नहीं पढ़ाया जाएगा, जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, फ्रीडम होगी। ये एक तरह की बहुत मीठी चाशनी वाली बात हो गई, मीठा बोलने वाली बात हो गई। आप ये कह रहे हैं कि आपको फोर्स नहीं करा जाएगा, लेकिन वहीं से बड़े ही प्यार से आप उस
पूरे शिक्षा उस पाने की प्रोसेस से उसको बाहर निकाल देंगे कि आप फर्स्ट फोर्थ क्लास के बाद ही छोड़ दें या आप जो स्कीम है आप फर्स्ट ईयर के बाद ही छोड़ दें, सेकंड ईयर के बाद ही छोड़ दें, थर्ड ईयर के बाद ही छोड़ दें। तो इससे ये नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से छोड़ेगा, वो जब फिनेंशियली कमज़ोर होगा तो वो फर्स्ट ईयर में ही मजबूरन उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसको लेजिटिमाइज कराया जा रहा है जो कि गलत है, इसको स्टेब्लिश किया जा रहा है लोगों के बीच में कि ये अच्छा है जबकि ये अच्छा नहीं है। पढ़ने की जरूरत क्या है जब आगे जाके चाय बेचना है, पकौड़े बेचना है, तो पढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं, क्यों चाय पकौड़ा क्यों बेचना है? मोदी जी बता रहे हैं रोजगार के लिए चाय पकौड़े बेचो। नहीं, वो मोदी जी ऐसा चाहते हैं पर हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते ना। मोदी जी अगर चाहते हैं सबसे चाय पकौड़ा बेचवाना तो वो आम स्टूडेंट, आम लोग, आम जनता ये चीज़ तो नहीं चाहती। हम तो पढ़ाई चाहते हैं, हम तो परिवर्तन चाहते हैं समाज में, अपनी स्थितियों में, अपने देश में बेहतरी चाहते हैं। चाय पकौड़े बेच करके क्या करेंगे? क्या लगता है इस शिक्षा पॉलिसी से जो गरीब के बच्चे हैं वो सीधा सीधा कट जाएंगे, उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी? एकदम जाहिरी तौर पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज इतना मुश्किल है और ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी हो रही है तो और मुश्किल। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाइक हो रहा है। उसके बाद अभी वो स्टेट गवर्नमेंट्स लोन दे करके पढ़ने की व्यवस्था कर रही है, लोन लेना इतना इजी भी नहीं है। और ये पूरे तरीके से सारा का सारा खेल इस चीज़ पे शिफ्ट हो जा रहा है कि आप पैसा दोगे तो पढ़ोगे। और दूसरी चीज़ ये भी हो रही है कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस को भी बर्बाद कर दिया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, प्राइवेटाइजेशन होने से समस्या क्या है? देखिए, अभी के टाइम पे जिस हिसाब से देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप, मैं DU यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, हमारे यहाँ विद इन द यूनिवर्सिटी मतलब कैंपस के अंदर ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ एक जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट खुला, अभी रिसेंटली BA LLB का डिपार्टमेंट खुला जो कि फुली प्राइवेटाइज है। तो प्राइवेटाइजेशन से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देश बहुत डाइवर्स है। मान लीजिए हम बिहार से आते हैं, कोई यूपी से आता है, और कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, हर सामाजिक पृष्ठभूमि से, हर इकोनॉमिक पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, पब्लिक एजुकेशन का अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो जो गरीब पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं, जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, उनको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाएगा जो उन्हें पब्लिक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेटाइजेशन की। तो साफ तौर पर आपने युवाओं से सुना कि किस तरीके से ये नई शिक्षा पॉलिसी जो है पूरे सिस्टम को बर्बाद करने का काम कर रहा है। एक तबका जो है जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के लिए, और जिस तरीके से शिक्षा महंगा होते जा रहा है, जिस तरीके से एजुकेशन को महंगा करने दिया जा रहा है, उससे एक तबका जो है वो हमेशा के लिए पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। और उसी का विरोध करने के लिए ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी ग्री जनहित आवाज़।